दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? आखिर वह कौन से नाम है जिनकी संभावना सीएम बनने को लेकर सबसे ज्यादा है? आइए इन सवालों के जवाब आपको देते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी उन पर पिछले कई समय से यह दबाव बना रही थी, जिसके बाद केजरीवाल ने आखिरकार इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब से कुछ घंटों के बाद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। संभवतया 12 बजे तक सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा, नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में सीएम पद की रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत को इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल पर क्या चर्चा है ये भी जान लीजिए। तो नए सीएम के ऐलान से पहले केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ मुलाकात की और उनकी राय जानी है। कल यानी सोमवार को आम आदमी पार्टी की संसदीय मामलों की समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद सूत्रों से खबर है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम न बनाए जाने को लेकर पार्टी सहमत है, यानी स्पष्ट है कि सुनीता केजरीवाल इस रेस में शामिल नहीं है। केजरीवाल अपने परिवार से किसी को भी यह पद नहीं दे रहे हैं। लेकिन सीएम की रेस में कल की बैठक के बाद आतिशी को सबसे आगे बताया जा रहा है। केजरीवाल के जेल में रहते हुए भी आतिशी के पास सर्वाधिक मंत्रालय थे, सबसे ज्यादा मंत्रालय थे और सबसे ज्यादा विभाग उनके पास रहे थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम काम भी किए हैं और पूरा मंत्रालय भी मनीष सिसोदिया के गैर मौजूदगी में उन्होंने संभाला है। तो इसके अलावा आतिशी केजरीवाल की सबसे विश्वासपात्र लोगों में से एक है। तो संभावनाएं हैं कि सबसे ज्यादा संभावनाएं उनके सीएम बनने को लेकर हैं। हालांकि नामों के अलावा भी सीएम की रेस में कुछ और नाम हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार भी शामिल हैं। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के सवाल पर सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से कहा कि हम लोगों में से कोई एक सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, कुर्सी पर भरत की तरह शासन किया जाएगा, जैसे भगवान राम की अनुपस्थिति में भरत ने शासन चलाया था। आज विधायकों की चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। तो अब से कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, नया मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, इसके नाम का ऐलान हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि वो दोबारा से चुनाव लड़कर आएंगे, जीत कर आएंगे और फिर इस पद पर बैठेंगे। अब देखते हैं कि केजरीवाल किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं और केजरीवाल की जगह कौन मंत्री या कौन नेता आम आदमी पार्टी का ले पाता है। देखते रहिए इंडिया.com।